ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। भेल्टेस की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ, इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। लड़की के थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार शराबत, मेंडाडेर की पुलिस थाना अध्यक्ष किरण पाल सिंह, एडीएम मुरादाबाद, डीएसओ अजय प्रताप सिंह, और इनका नाम कौन नहीं जानता, कमिश्नर इंजीनियर कौन नहीं जानता। मीरापुर पुलिस थाना अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, मेरी अपील है कि ऐसे दोषी अधिकारी तुरंत हटाए जाएं। गुस्सा, अखिलेश यादव को गुस्सा आ गया है। गुस्सा अपने मतदाताओं को रोके जाने को, गुस्सा बेईमान अधिकारियों पर, गुस्सा उन अधिकारियों पर जो चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। और अखिलेश यादव के इस गुस्से का संज्ञान लिया है निर्वाचन आयोग ने, सीधे मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने। और अखिलेश यादव के गुस्से का प्रभाव है कि अधिकारी निलंबित कर दिए गए हैं। एसआई अरुण कुमार सिंह, एसआई राकेश कुमार, इन दोनों को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। लड़की के थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार शराबत, मेंडाडेर की पुलिस थाना अध्यक्ष किरण पाल सिंह, एडीएम मुरादाबाद, डीएसओ अजय प्रताप सिंह, और इनका नाम कौन नहीं जानता, कमिश्नर इंजीनियर कौन नहीं जानता। मीरापुर पुलिस थाना अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, मेरी अपील है कि ऐसे दोषी अधिकारी तुरंत हटाए जाएं। कमिश्नर मुरादाबाद और सीसमो के दिनेश त्रिपाठी डीसीपी सेंट्रल कानपुर, दिनेश सिंह बिस्ट इंस्पेक्टर चमनगंज, रविंद्र श्रीवास्तव इंस्पेक्टर कर्नलगंज, ये जानबूझ करके इनको पोस्ट किया गया है कि बोर्ड कैसे रोका जाए। क्या हमें आपको नहीं समझ में आ रहा, सेंट्रल कानपुर चमनगंज एरिया जहां सबसे ज्यादा वोट समाजवादियों को मिलना है, कर्नलगंज जहां समाजवादियों को वोट मिलना है, मैं अपने वोटरों से अपील करूंगा कि वोट डाल करके जरूर आए। और तब तक जाते रहे पोलिंग स्टेशन पर जब तक वोट डालना डाल पाए, लगातार वोट डालते रहे। दरअसल लगातार सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी शिकायत कर रही है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कुछ समुदाय विशेष को मतदान से रोका जा रहा है और कुछ अधिकारी मतदाताओं के पहचान पत्र की जांच कर रहे हैं। इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया। राजीव कुमार जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उन्होंने सीओ यूपी और सभी जिला चुनाव अधिकारी यानी कि डीईओ और रिटर्निंग अधिकारी आरओएस को सख्त निर्देश दिया कि मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और सुचारू रूप से सुनिश्चित करें, सभी शिकायतों का तुरंत संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई करें। इसके साथ ही साथ की गई कार्रवाई को सोशल मीडिया के जरिए भी शिकायतकर्ता को टैग करके सूचित करें। आयोग ने स्पष्ट कहा कि किसी भी योग्य मतदाता को मतदान से न रोका जाए, मतदान के दौरान किसी भी पक्षपाती रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, शिकायत मिलने पर फौरन जांच पड़ताल होगी और कोई भी दोषी पाया गया तो कड़ी कार्रवाई होगी। और इस दौरान कानपुर के सीसामऊ में मतदाताओं के पहचान पत्र चेक करने और उन्हें वोट डालने से रोकते हुए वापस भेजने का वीडियो मिलने के बाद आयोग ने सब इंस्पेक्टर अरुण कुमार सिंह और राकेश कुमार नादर को तत्काल निलंबित कर जांच पूछताछ शुरू कर दी है। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी कई और नाम सीधे सीधे गिना दिए। अखिलेश यादव का रवैया और चुनाव आयोग का ये रवैया देखकर लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में अधिकारियों को लेकर अब माहौल टाइट हो गया है। फिलहाल खबर लिखे जाने तक मीरापुर, कुंदरकी, सीसामऊ, करहल, कटहरी तमाम इलाकों से ऐसे आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से सामने आ रहे हैं कि एक समुदाय विशेष को वोट डालने से प्रशासन रोक रहा है और प्रशासन हर जगह से अपनी सफाई दे रहा है। दिल्ली से संजय कुमार शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।